कैमरामैन है, उनको कुछ दिक्कत आ रही है वीडियो शूट करने में, और बालकनी में सीधा गए तो वो लोग बिगड़ गया, यानी उनका हैंडल ही बाहर आ गया। 20 लाख रुपए हाथ में लेकर घूम रहे हैं बाली की सड़कों पर। और हेलो, गुड मॉर्निंग। आज है डे 7th हमारा जो है उबुद ट्रिप का। उबुद ट्रिप का तो ये बेसिकली 3rd डे है, और ओवरऑल हमारा कैमरामैन है, उनको कुछ दिक्कत आ रही है वीडियो शूट करने में, इसलिए उन्होंने जो चप्पल पहने हैं ये वाले, वो निकल जा रहे हैं। तो पहले थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था, उस वजह से कैमरामैन थोड़े अटके हुए हैं, इसलिए उनको झटके लग रहे हैं। तो हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए। आज हमारा चेकआउट है यहाँ से, और जो है चेकआउट करने के बाद हम जाएंगे सीधा नुसा दुआ में। सोल बेनुआ बाई मेनियाली या फिर ऐसा ही कुछ नाम है, नाम मुझे एक्चुअल आइडिया नहीं है। तो अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए, और ब्रेकफास्ट करने के बाद हम जाएंगे नुसा दुआ चेकआउट करके। तो देखते हैं कि क्या कुछ चीज़ें जो हैं वो होती हैं हमारे साथ आज के दिन में। आज सच कोई बाहर जाने का प्लानिंग नहीं है, सिर्फ वहाँ पर आप होटल एक्सप्लोर करेंगे, बीच है वहाँ पे तो बीच पे ज़रूर जाएंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपसे शेयर करना थी। हेलो, गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग। तो अभी है ब्रेकफास्ट के लिए एज़ यूज़ुअल, ब्रेकफास्ट आई थिंक सेम ही रहता है यहाँ पे। वेजिटेरियन के लिए थोड़ा कंसर्न है ब्रेकफास्ट में, नॉन वेजिटेरियन को कोई इशू नहीं होता यहाँ पे। ये पूल और ये ब्रेकफास्ट डेस्क। हेलो, ये जो लोग आप देख रहे हो यहाँ पे, ये आपको नॉर्मल सा लोक लगेगा, लेकिन ये नॉर्मल लोक नहीं है, एबनॉर्मल है। हम एक्चुअली चेकआउट कर रहे थे, सोचा कि चलो लास्ट टाइम एक बार बालकनी में जाते हैं, और बालकनी में सीधा गए तो वो लोक बिगड़ गया, यानी उनका हैंडल ही बाहर आ गया तो ओपन ही नहीं हो रहा था, और बाहर से यानी बालकनी में हम पैक हो गए, सामान हमारा नीचे था और वो लोक नहीं खुल रहा था। फिर हमने किया बुमा बूम किया। तो बाजू वाले जो हैं 308 नंबर में जो रहते थे, वो अच्छे हैं काफ़ी, भगवान उनको लंबी उम्र दे, ताकि वो बाहर आके उन्होंने फिर लॉक खोला, पता नहीं कुछ हैंडल में प्रॉब्लम हो गया, तो हैंडल पूरा बाहर ही आ गया। तो अभी हम देख रहे हैं, हम उनको बोलेंगे नहीं बोलेंगे, लेकिन इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, उनकी सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी तो ये कुछ हुआ है। अभी हम कर रहे हैं चेकआउट, और जाएंगे सीधा नुसा दुआ। उसमें आप ये दुआ में याद रखें, घबराए हुए हैं क्योंकि ये थोड़ा वाक में भी है। थोड़े वाक में नहीं है, इसमें हमारा कोई गलती नहीं है, और गलती जो है वो ऊपर वाले का। ये थोड़ी क्या। सो निकल गए हैं हम यहाँ से नुसा दुआ के लिए। अब देखते हैं कैसे दुआ में आप याद रखते हो, मिलते हैं आपको सीधा टैक्सी में। सो फाइनली हमारी जो कार है वो आ गई है। सो हम कर रहे हैं चेकआउट यहाँ से, और लगेज वगैरह जो है वो हम उसी में रखते हैं। ये जो भैया हैं, इन्होंने काफ़ी हेल्प किया है हमें वीडियो शूट करवाने में भी, और ये लगेज वगैरह में भी। कल हमने जो वीडियो शूट किया था उसमें उन्होंने काफ़ी हेल्प किया था। और ये जो गाड़ी है DK 1975 ACN, वो हमें लेकर जाएगी सीधा नुसा दुआ। हमने यूज़ किया है एप्लीकेशन ग्रेब, जिससे हम जो हमारा बुकिंग्स वगैरह सब करते हैं। उबुद में आके हमने इसे एक्सप्लोर करना चालू किया, इससे पहले हमने किए जो डायरेक्ट टैक्सी कर रहे थे, तो वो मेरे हिसाब से उतना चीप नहीं रहता। ये वाला जो ऑप्शन है वो
काफ़ी चीप रहता है. सो लुक एट दिस, वेरी नाइस एंड क्लीन. सो दिस इज हाउ सो ये भाई हैं जो हमें लेकर जा रहे हैं नुसा दुआ. इंग्लिश इनको उतना नहीं फावता है तो हम बस निकले हैं जाने के लिए. तो पहले तो हम होटल पे ही पहुंच के देखेंगे सारी चीजें कि क्या क्या है उनकी फैसिलिटीज, उनका रिसेप्शन से लेके सारी चीजें पहले तो होटल एक्सप्लोर करेंगे एंड देन हम इवनिंग में सोचेंगे कि कहाँ पे जाना है फॉर डिनर. क्योंकि हमें जैसे उबूद की तरह वहाँ पे भी पता नहीं है कि वो सेंट्रल में है या नहीं है, वो तो पहुँचने के बाद ही आइडिया आएगा. हाय नी आपा फेर मिलांगे कदे ना कदे फेर मिलांगे. हाय नी आपा फेर मिलांगे कदे ना कदे फेर मिलांगे. मैं फुल बन्ना तू तारा सजना कल्ला ते कवारा सजना. मिलना चाहूं दोबारा सजना फेर ना ला दी लारा सजना. मिट्टी दा बाण टेर मिलांगे. हाय नी आपा फेर मिलांगे कदे ना कदे फेर मिलांगे. हाय नी आपा फेर मिलांगे कदे ना कदे फेर मिलांगे. हाय नी आपा फेर मिलांगे. रब जाने कद मिलना ए नी कच्चे पक्के राहां ते. तेरे ते यकीन बड़ा पर हुंदा नहीं ओ सावां ते. पलकां वी ना बंद करा तू सामने निगाहां दे. दिल करदा मैं सो जाया के तेरियां नी बाहां ते. तेरे नाल रास्ते में रुके थे जो मनी एक्सचेंज करवाने के लिए और हमने करवा दिया एक्सचेंज. ये आप देख रहे हो 1,00,000 रुपए का नोट है. ये 1,00,000 रुपए का एक नोट ऐसे है हमारे पास. 20 लाख रुपए हाथ में लेकर घूम रहे हैं बाली की सड़कों पे. यस, आपको लगेगा कि ये इतना सारा पैसा लेकर क्यों जा रहे हैं पूरी सोनिया नहीं मैनू मंजूर वे. हाँ देखी सोनिया आपां मिलांगे जरूर वे. हाँ देखी सोनिया आपां मिलांगे जरूर वे. तेरे नाल जान भी तैथों वार दिया. मैं आ तेरा तू ए मेरी ऐना तैनू प्यार दिया. दुनिया जो मर्जी ए बोले तेरे ते एतबार बड़ा. इसे गल दा मान हा करदी रहिंदा मेरे नाल खड़ा. मैं पैरां दी मिट्टी तेरे पैरां दी मिट्टी. तू ए मेरा कोई नूर वे. देखी सोनिया आपां मिलांगे जरूर वे. ओ रब जाने कद मिलना ए असा तेनू ए की दसा. फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं सोल बाय मेलिया एट नुसा दुआ और ये हमारा स्टे है फॉर 3 डे. तो ये जस्ट हमें ड्रॉप करके जा रहे हैं. हम जा रहे हैं अंदर चेक इन फॉर्मेलिटी कुछ करेंगे. देखी सोनिया आपां मिलांगे जरूर वे. सोल बाय मेलिया बेनोआ. ये हो गया उनका रिसेप्शन एरिया. लुकिंग ह्यूज. कदे ना कदे फेर मिलांगे.
the entrance foyer. So ये हो गया reception area और here is the welcome drink for us. Thank you. And पंकज थोड़ी formalities कर रहे हैं, form fill up कर रहे हैं. Just the check-in room. So ये था reception lobby और अभी हम जा रहे हैं सीधा रूम पे, देखते हैं कैसा है, क्या कुछ रूम वगैरह यहाँ पर मिलता है. ये जो होटल है ये भी काफ़ी बड़ी साइज में बना हुआ है. जो डिस्कवरी कार्टिक हम रुके हुए थे फर्स्ट टाइम इन कुटा, ऑलमोस्ट सेम साइज का ही ये होटल मुझे लग रहा है. ये है कुछ लॉबी स्पेस, दोनों साइड रूम दिए हुए हैं. ओ ये काफी बड़ी साइज में बना हुआ है. यहाँ पर अलग से एक लाउंज भी बना हुआ है, यू कैन सी. ओके आवर रूम नंबर इज 8146. हियर इज द नंबर 8146. या लेट मी जस्ट गो एंड चेक. ओ ये काफ़ी बड़ा है इनफैक्ट. Look at this, काफ़ी बड़ी साइज है. अलग से लाउंज एरिया उन्होंने यहाँ पर अलग दिया हुआ है प्लस बेड. और ये जूनियर स्वीट या शूट ऐसा कुछ बोलते हैं वो हमने बुक किया है. तो ये है वॉशरूम. सो अभी हम निकले हैं बाहर, थोड़ा देखना था प्रॉपर्टी कैसा है ये. और थोड़ा हम प्लान कर रहे थे कि कुछ लंच वगैरह भी करना था. ओ लुक एट दिस, ये कुछ डिफरेंट ही प्रॉपर्टी है. रिजॉर्ट ग्रीनरी जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है और कुछ पॉन्ड वगैरह भी बने हुए हैं. यहाँ पर अलग से एक रेस्टोरेंट भी है. अंदर से हमें जो दिख रहा था उससे यहाँ पे वाइब्स काफ़ी अच्छी हैं. yeah. बाली की वाइब्स यहाँ पर आपको मिल जाएगी. तो ये ओपन एक रेस्टोरेंट है तो हम यहाँ पर आए हैं. देखते हैं पहले कुछ देखेंगे मेन्यू वगैरह और कुछ अच्छा लगेगा तो ही यहाँ पर खाएंगे. बाकी हमने रास्ते में आते आते क्या देखा, क्या देखा रास्ते में आते आते हमने देखा उडीपी. ओ यस, उडीपी जो है वो वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है तो हम लोग अभी वहीं पर जा रहे हैं कुछ भी सोचे समझे बिना. लेकिन अभी साथ में एक्सप्लोर तो कर ही लेंगे. लेकिन वो तो थोड़ा बहुत एक्सप्लोर तो कर ही लेंगे. क्या कुछ मेन्यू है ये? ओके मसाजिस वगैरह का सारे रेट्स वगैरह लिखे हुए. ये है रेस्टोरेंट. ओके ये एक रेस्टोरेंट है. और लुक एट दिस, ओके
एक ओपन थीम बेस वाइज है, एक्सप्लोर ही कर रहे हैं अभी, यहाँ पर पता नहीं मेन्यू वगैरह नहीं है। ओके, ये बेसिकली हम बाहर निकल गए हैं यहाँ से। ओके, ये तो हम एग्जिट हो गए हैं। यहाँ पर कुछ शॉप भी है, अगर कुछ खरीदना है तो होटल के अंदर ही। कुछ भी आपको परचेज करना हो तो यहाँ से ही आपको मिल जाएगा, बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, ये बैग हमने दो तीन जगह पे देखा हुआ था, तो कुछ भी आपको परचेज करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। हेलो, या आफ्टर सम टाइम देवी लोटस। और यहाँ पर भी सेम वैसी ही दुकानें हैं। और ये जो भैया हैं कुछ बना रहे हैं, पेंटिंग्स नहीं, ये कुछ कलर कर रहे हैं। ओके, शॉप ओपनिंग आवर्स वगैरह है, तो यहाँ पर हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम जा रहे हैं सीधा बाहर। और थोड़ा आगे भी देख लेते हैं कि पूल एरिया कैसा है, और फिर जाएंगे ओडीपी, जो कि प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। ये सेंट्रल गार्डन है यहाँ का, लुकिंग गुड। और यहाँ पर सेंट्रल पूल एरिया भी है अलग से, और आगे भी काफ़ी बड़ी जगह है, तो हम जाएंगे वहाँ पे दिस वे। ये कार्तिका जो हमने पहले कुटा में स्टे किया था, ऑलमोस्ट वैसी ही प्रॉपर्टी है ये, लेकिन यहाँ पे कंपैरेटिवली ग्रीन या फिर प्लांटेशन ज़्यादा है। पूल जो है यहाँ पे थोड़ा छोटा साइज लग रहा है मुझे, वैसे तो डिसेंट साइज ही है। और यहाँ पर भी रूम्स बने हुए हैं। और ये पूल साइड रेस्टोरेंट है, जिमरी दिख रही होगी आपको, तो ये यहाँ पर एक अलग से रेस्टोरेंट बना हुआ है, और फ्रूट्स वगैरह हैं, देखते हैं हम कुछ ट्राई करेंगे या नहीं करेंगे। यहाँ पर बीच प्लस सिटिंग्स। और ये है ब्यूटी इस रिजॉर्ट का,
डायरेक्ट यहाँ से ही एक्सेस है बीच का, सो दिस इज गोइंग टू बी फन। तो अभी हम जा रहे हैं लंच करने के लिए, पहले करेंगे लंच फिर बाद में यहाँ पर, क्योंकि थोड़ी धूप यहाँ पर ज़्यादा है अभी इस टाइम पे। तो अभी हम यहाँ पर नहीं बैठेंगे, जाएंगे लंच पे और फिर बाद में आके देखते हैं कि क्या कुछ चीज़ें जो हैं वो करते हैं आज के दिन में। सो अभी हम निकले हैं उडीपी रेस्टोरेंट जाने के लिए, कंटिन्यू उडीपी रेस्टोरेंट की खोज पे निकले हैं। जहाँ पे हम लोग रुके हैं सोल बेनोआ में, तो वहाँ से ऑलमोस्ट वॉकिंग डिस्टेंस है अगर आप प्योर वेजिटेरियन हो तो। उडीपी रेस्टोरेंट जो है साउथ इंडियन, तो वो आपको नज़दीक में ही मिल जाएगी। और बाकी इनका इन हाउस काफ़ी अच्छा है, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो उनके आई थिंक 2-3 रेस्टोरेंट इन हाउस ही है, तो आप उस हिसाब से वहाँ पे इंजॉय कर सकते हो आपका फूड। और प्रॉपर्टी ऑन मेन रोड, तो काफ़ी इजी पड़ेगा आपको। दिल्ली, या दिल्ली इज ऑल्सो देयर, या ओके। मिनी मार्ट वगैरह भी सामने आपको मिलेगा, कुछ भी छोटी मोटी चीज़ें आपको लेनी है वहाँ से तो। और मे बी हम लोग पूछ रहे हैं कि बाइक रेंट कहाँ से करें, तो जैसे ही हमने हाँ ये तो ओके। ओके तो एग्जिट हमारी होटल के सामने ही मोटर बाइक रेंटल के लिए ऑप्शन है, तो दिस इज टू गुड। सो फाइनली ये लिया है हमने बाइक, कंडीशन जो है काफ़ी अच्छी है, आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद दी बाइक। और अभी हम आए हैं उडीपी और यहाँ पर लिखा हुआ है प्योर वेजिटेरियन, प्योर वेजिटेरियन उडीपी का रेस्टोरेंट है, उडीपी का नहीं उडीपी नाम है और प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। यहाँ पर अच्छा सा गणपति जी का स्टेच्यू है, ऑलमोस्ट सारी जगह पे ये स्टेच्यू तो रहता ही है, ये स्टेच्यू यानी भगवान का स्टेच्यू रहता है हर जगह पे। देखते हैं यहाँ पे वाइब्स कैसे हैं, लुक एट दिस, काफ़ी अच्छा दिख तो रहा है अभी। और ये है रिसेप्शन और हेलो ओके, तो ये है ओडीपी। सो हियर इज द रेस्टोरेंट, ये है यहाँ का मेन्यू, दही छोले चौगरा सब्जी ओके, और कुछ और चीज़ें जो कि उनके आउटलेट्स हैं ओके। डोसा यहाँ पे है, पेपर डोसा। अभी हम आए थे उडीपी रेस्टोरेंट में, तो यहाँ पे उन्होंने हमें पहले चक्री दी है, वो है कॉम्प्लीमेंट्री, एंड देन हमने मंगवाया है वेनिला मिल्क शेक। काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है और भूख ज़्यादा लगी थी तो हमने चक्री पहले खा ली। सो पंकज हाउ अबाउट द टेस्ट? चक्री गुजराती फील दे रही थी हमें, तो हो गई ख़त्म। अभी हम प्लान करेंगे उनसे ये दूसरी कटोरी मंगवाएंगे, वो भी कॉम्प्लीमेंट्री, और ये वेनिला शेक जो है वो टेस्ट करना अभी बाकी है। सो फाइनली हमने जो मंगवाया था वो हम स्टार्ट करेंगे, पनीर टिक्का मसाला विथ बटर रोटी एंड चक्री, फिर से हमने कॉम्प्लीमेंट्री मंगवाई है। सो नॉर्मली ये चार्जेबल रहता है, बट स्टिल थोड़ा रिक्वेस्ट के हिसाब से उन्होंने फिर से सर्व किए। यारा तेरी कहानी में हो जिक्र मेरा, कहीं तेरी खामोशी तेरा जिधर।
बज रहे हैं 8:15 और हम जो है जा रहे हैं ऐसे ही यहाँ पर एक कचक डांस जो है बाली का काफी फेमस है और वो हो रहा है कच्चक डांस जो है वो पूरा हो गया है और काफ़ी एंजॉइंग था और हमने जो है थोड़े बहुत कैरेक्टर्स जो है पकड़ने की ट्राई की, उतना ज़्यादा बीच में थोड़ा मेरे लिए तो मिक्स हो रहा था, लेकिन रामायण बेस वो पूरा कच्चक डांस था। पूरा वीडियो जो है अगर आपको देखना है तो वो आताश जर्नी के अंदर मिल जाएगा। इसमें इस वीडियो के अंदर मैं थोड़ी ग्लिम्स आपको दे दूंगा कि क्या कुछ चीज़ें जो हैं वो होती है इसमें। और अभी जो है डिनर में थोड़ा लाइटी करने का प्लानिंग, बाहों पे राहों पर नाहों पे आहों पे बाहों पे साहों सलाहों।